हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरगर नेचुरल ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी कि फेशियल आप किस तरीके से घर पर ही कर सकते हो अपने फेस पे। और आज की वीडियो में जो मैं फेशियल लेने वाली हूँ वह है शहनाज हुसैन का फेशियल। शहनाज हुसैन गोल्ड फेशियल है। अगर आपको चाहिए तो आप डायमंड भी ले सकती हैं, लेकिन मैं अपने फेस पर गोल्ड फेशियल करूँगी। और ये जो गोल्ड फेशियल होती है, डायमंड फेशियल होती है, अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ज़्यादा फेयर है तो आप गोल्ड वाला ले सकती हैं। और अगर आपकी स्किन का कलर थोड़ा सा डल है तो आप डायमंड वाला भी ले सकती हैं, जो आप अपने स्किन के हिसाब से फेशियल ले सकती हैं। और ये बहुत अच्छी फेशियल है। तो चलिए मैं पहले सबसे पहले आप लोग को फेशियल दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, यह शहनाज हुसैन का गोल्ड फेशियल है। बहुत अच्छी फेशियल होती है। अगर आप इसको अच्छे से करती हैं, इसका स्टेप बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं, तो बहुत अच्छे से ये आपके फेस पर ग्लो भी देता है। और इसमें आपको 5 स्टेप मिलेगा। अगर आप में से किसी को भी फेशियल करने के लिए सीखना है कि किस तरीके से आप फेशियल का स्टेप जो है उसको अच्छे से फॉलो करें, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, बहुत अच्छे से बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन मेरी जैसी, यानी आपका कलर कुछ मेरे से मिलता जुलता इस तरीके की अगर कलर है, तो आप गोल्ड फेशियल ले सकती हैं। यानी थोड़ी सी फेयर है तो आप गोल्ड फेशियल ले सकती हैं। अगर थोड़ा सा डाउन है तो आप डायमंड फेशियल ले सकती हैं। तो इसे किस तरीके से करना है, कैसे आप घर पर ही फेशियल कर सकती हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि इसमें जो क्लिंजिंग आता है, यानी अपने फेस को जो क्लीन करते हैं, क्लिंजिंग मिल्क होता है, क्लीनर होता है, वो चीज़ इसमें नहीं मिलता है। और तो इस फेस को क्लीन करने के लिए आपको अलग से कोई क्लिंजिंग मिल्क का यूज करना पड़ेगा, यानी क्लीनर को अपने फेस को क्लीन करने के लिए आपको क्लीनर का यूज करना पड़ेगा अलग से। पहले मैं अपने फेस को क्लीन करती हूँ, उसके बाद में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि किस तरीके से आप इस तरीके की जो शहनाज हुसैन गोल्ड फेशियल आती है उसे कैसे आप घर पर ही अच्छे से कर पाएंगे, बिल्कुल पार्लर जैसा। और बहुत अच्छे से मैं आप लोग को समझाऊँगी, बहुत अच्छे से बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करूँगी। और क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है VLCC का क्लिंजिंग मिल्क। ये बहुत अच्छी क्लिंजिंग मिल्क है, किसी भी स्किन वाले हैं तो इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी है, फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है, लाइट कर देता है फेस को, अगर आप इससे अपने फेस को क्लीन करती हैं तो। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं, सबसे पहले मैंने इसको ले लिया हुआ और इसको अच्छे से मसाज करूँगी। देखिए, सबसे पहले आपको जब भी आप अपने फेस को क्लीन करें तो उसको 5 से 7 मिनट तक बहुत अच्छे से क्लीन करें। जब आप फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे तब आप अगर फेशियल करती हैं तो उसका जो फेस का जो करने का स्टेप है वो अच्छे से फॉलो करती हैं, तो बहुत अच्छे से ग्लो भी आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसमें दिया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकती हैं, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, यह स्क्रब। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रब निकाल रही हूँ और अपने फेस पे अच्छे से स्क्रब करूँगी। और स्क्रब करने के लिए भी अपने फेस पे जब भी स्क्रब करें तो बहुत ही लाइट लाइट सा करें, और जितने भी हमारे फेस में ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं तो रिमूव हो जाते हैं। अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो अपने फेस पे स्टीम भी ले सकती हैं, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरे फेस में ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले यहाँ पर स्क्रब कर ले रही हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोग को और भी बताना चाहती हूँ, अगर आप बहुत अच्छे से फेशियल करना सीखना चाहती हैं, फेशियल का जो स्टेप है उसे अच्छे से सीखना चाहती हैं, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर सबसे पहले स्क्रब कर रही हूँ। स्क्रब को मैं इसी तरीके से लाइट हाथों से कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे स्पीड कर दिया इसलिए आपको लग रहा होगा, क्योंकि फेशियल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे अपने नेक पर भी कर ले रही हूँ अच्छे से। अभी मेरा फेस अच्छे से आप देख सकते हैं स्क्रबिंग हो चुकी है। अब मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो अब क्लीन कर ले रही हूँ अपने फेस को अच्छे से। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें जो मिलता है ना, 2nd नंबर पर होता है क्रीम होता है। तो चलिए अब मैं क्रीम आप लोग को लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, ये है क्रीम। और इसी से हमारे फेस में अच्छे से जो फेशियल का जो मसाज होता है, यानी जो स्टेप होते हैं, इसी में सारे स्टेप पड़ते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही जितने भी मैंने स्टेप इसमें डाले हुए हैं आप लोग को दिखाने की कोशिश की हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं इसमें इस स्टेप डाल देती तो आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जितने भी स्टेप है उसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा आप लोग को दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, आप देख सकती हैं इस तरीके से। सबसे पहले अपने नेक पर हम करते हैं अच्छे से, और फिर हम फोरहेड पे चले जाते हैं। और फोरहेड पे भी हम जब भी अपने इस पे यहाँ पे हमें 3 से 5 जो होते हैं इसका स्टेप होता है वो हमें फॉलो करना पड़ता है 1-1 मिनट तक। इसके बाद में आइज़ का जो स्टेप होता है इसको भी करना पड़ता है इस तरीके से हम।
तो आप बहुत अच्छे से अगर देखेंगी तो अगर इस तरीके से आप अपने फेस पे अगर फेशियल करती हैं तो आपके फेशियल का जो ग्लो है बहुत अच्छे से आएगा। और जब भी फेशियल करें तो अपने हैंड को बहुत ही लाइट लाइट सा चलाएं, बहुत ज़्यादा फास्ट मोशन में नहीं करना, बहुत लाइट लाइट से करना है। इस तरीके से आप देख सकती हैं और मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से आप लोग को समझाने की कोशिश भी की है। तो अगर आप घर पर ही सीखना चाहती हैं, पार्लर नहीं जाना चाहती हैं, तो आप इस तरीके से कर सकती हैं। मैं अपने चैनल पर ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कराती हूँ, तो जिसको करना वहाँ से जुड़ सकती हैं, आसानी से ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख सकती हैं। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन पर क्लिक कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने चैनल पर डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी वीडियो का लाभ सबसे पहले आप उठा पाएँ, आप सीख पाएँ। तो इस तरीके से आप देख सकती है मेरी जितनी भी स्टेप है वो कम्प्लीट होती जा रही है, कम्प्लीट हो रही है। तो आपको लग रहा होगा मैंने बहुत फटाफट से किया, लेकिन मैंने स्पीड को करके यहाँ पे अपने फेशियल को कर लिया। और यहाँ पे जो मेरा मसाज का क्रीम था वो अभी मेरा जो था हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ टोनर। इसमें जो तीसरा स्टेप रहेगा वो टोनर रहेगा। टोनर को हमें इस तरीके से निकाल के अपने फेस पे लगा लेना है, अच्छे से लगा के एक मिनट तक मैं इसको भी अच्छे से मसाज कर लूँगी। आप देख सकती हैं अभी मेरा टोनर भी लगा के हो चुका है। अब मैं लगाऊंगी जेल। इसमें जो फोर्थ स्टेप आता है वो होता है जेल। तो जेल को भी बहुत अच्छे से आपको करना है। जेल जो होता है हमारे फेस में जितने भी पानी की कमी होती है उसे पूरा करता है, लाइट बनाता है, फेस को ग्लोई करता है और जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो भी रिमूव करता है। तो जेल तो हमारे जितने भी फेशियल के जो जेल होते हैं बहुत अच्छे से ही काम करते हैं फेस पर। तो अभी आप देख पाएंगे कि मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लोई और सॉफ्ट लगने लगेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जेल को लगा के अच्छे से मसाज कर रही हूँ। इसको भी मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज किया हुआ है। अब जो फोर्थ नंबर पे आता है ये है मास्क, यानी कि जो फेस पैक आता है, किसी में पैक होता है, किसी में मास्क होता है। इस तरीके से मैं इसको अपने हैंड पे निकाल के और अच्छे से लगा लूँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लगा लूँगी और जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इसे निकालूँगी। तो आप लोग को थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैं इसे लगाऊँगी और इसके लगाने का निकालने का जो तरीका है आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको निकालना है यहाँ पे। चलिए मैं फटाफट से निकाल देती हूँ, फिर आप लोग को इसके बाद में क्या करूँगी आप लोग को बताती हूँ। तो आप देख सकती हैं मेरा जो मैंने मास्क लगाया हुआ था अच्छे से मैंने इसे रिमूव कर दिया हुआ है। और इसके बाद मैं लगाऊंगी थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पे BLCC का मॉइस्चराइज़र लिया हुआ, ये है हनी मॉइस्चराइज़र। ये बहुत अच्छी मॉइस्चराइज़र है, स्किन को बहुत ज़्यादा लाइट करता है। तो इस तरीके से मेरी फेशियल की जो कंप्लीट हो चुकी है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना, फेशियल करने के 24 घंटे तक आप अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगा सकती हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, थैंक यू।